हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम सभी को। आप कैसे हैं? उम्मीद करती होंगे आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ चचा के लिए खाने के लिए साओ। गांव में हमारे यहाँ पे तो वो बोलते हैं पात बोलते हैं हमारे गांव में, तो अब दिल्ली में या कहीं पता नहीं क्या बोलते हैं। तो अभी मैंने ये चढ़ा दी कढ़ाई, तो इसमें लिए मैंने थोड़ी किशमिश, काजू और ये बादाम काट लिया, थोड़ा सा गोला घिस लिया। इसमें दखनी मिर्च है और इसमें है इसमें अजवाइन है और ये हैं मखाने। अभी इनको मैं घी में भून लेती हूँ, तो वीडियो में दिखाऊंगी, तो बने रहना आप। कपड़े पूजे सकती है कनी मैंने, और इस पिन्नी में रखा गुड़, और ये रखे हैं आलू उबलने के लिए। पराठे बनाए, उबाल के रख दिए आलू। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ, इसमें छोड़ने जा रही हूँ घी, तो आपको दिखाता हूँ घी। तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा सा छोड़ देती हूँ घी इसके अंदर। बस इतना ही करूँगी घी इसके अंदर, भून लेती हूँ। घी मेरा हो गया थोड़ा सा, पानी भून रही है, और ये मैंने काजू बादाम इसमें भून के रख लिए हैं। अब मैं इसको पानी भून लेती हूँ, जब दिखाती हूँ आपको मखाने। तो अभी मैं इनको भी मिक्स कर देती हूँ, भून लेती हूँ अच्छे से। ये लिए गोला, अब इसको भून लेते हैं थोड़ा सा हल्का सा। इसे मैं और गोला भून लेती हूँ हल्का सा, फ्राई कर लेती हूँ। छोड़ दे फिर से घी, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा गुड़। इसमें डाल दिया मैंने पानी और गुड़, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी सौंठ, ये दखनी मिर्च थोड़ी सी गेरूँगी एक चुट्टी बस। इसमें है सौंठ, ये वाली सौंठ डाल रही हूँ, ये भी एक चुट्टी गेरूँगी। सौंठ, अजवाइन और ये है अजवाइन पिसी हुई, इसको भी एक चुट्टी गेरूँगी बस। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, इसको पानी तक पकने का इंतज़ार करते हैं, कुड़ भुनने तक का। अब इस पानी में उबाल आ गया, तो अब मैं ये सब डाल रही हूँ इसके अंदर। बन के एकदम रेडी है, मैं इसको भाभी को देने वाली हूँ, और थोड़ा सा अपने दही देवतन को निकालूंगी इसमें से। तो ये अच्छे से बन गई और पक भी गई है। तो हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं ये बंद करने वाली हूँ गैस।